जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जो मुकाबला हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। लेकिन दूसरी तरफ इसी रोमांचक और थ्रिलिंग मुकाबले में दोस्तों काफ़ी फनी मोमेंट्स भी देखने को मिले, जहाँ टीम इंडिया की खतरनाक बल्लेबाजी को रोकने के लिए टीम इंडिया कुछ रुख पलटने की कोशिश में थी, तभी दोस्तों कुछ ऐसा हुआ मैदान पर जिसको देख हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया। दरअसल लॉर्ड्स के मैदान पर जहाँ टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच घमासान चल रहा था, उसी बीच एक व्यक्ति ने आकर पूरी लाइमलाइट छीन ली। ऐसा कई बार देखा गया है कि फैंस क्रिकेट मैच के दौरान अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से मिलने के लिए आते हैं और फिर उन्हें बाहर निकाला जाता है, लेकिन इस मुकाबले के दौरान जो हुआ वो कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर जारवे नाम को एक शख्स जर्सी नंबर 69 पहनकर मैदान में आ गया। जारवो की एंट्री ने भारतीय खिलाड़ियों और एम्पायर को हैरान कर दिया, इसी वजह से मैच भी रोकना पड़ा। ये किस्सा अलग इसलिए था क्योंकि ये शख्स टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए घुस आया और जब गर्ट्स ने उसे ले जाने के लिए आए तो वह अपनी जर्सी दिखाते हुए इशारा करने लगा कि देखो मैं इस टीम की तरफ से हूँ, मेरी टी शर्ट का नंबर ये है, मुझे बाहर मत निकालो, और साथ ही साथ खिलाड़ियों को इशारा कर रहा है कि मैच कंटिन्यू रखो। ये गजब का इंसान था दोस्तों, लेकिन जर्सी दिखाने के बाद उसे बाहर ले जाया गया। ऐसा करते हुए देख मोहम्मद सिराज, जडेजा, शमी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ठाके मारते हुए हंसते हुए नजर आए। दोस्तों ये एक फनी मोमेंट्स देखने को मिला जो सचमुच काफ़ी ज़्यादा फनी था, लेकिन हैरानी की बात भी ये थी दोस्तों कि इतने सारे गार्ड्स सिक्योरिटी गार्ड्स के होने के बावजूद भी ऐसे कोई भी अंदर घुस जाता है, अगर ऐसे ही किसी खिलाड़ी के साथ कभी कोई बदतमीजी कर दे तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।